या फिर प्रेस करेंगे, सेल्फ हो गया। उसके बाद फिर यहाँ रेफरेंस नंबर जो भी हमें ऐड करना है ऐड करेंगे, स्पेस और यहाँ हमेशा पूरा डिटेल्स फिल करके हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ लिख दिया है कंप्यूटर। अब यहाँ पे कह रहा है कितना पीस बेचना है और कहाँ से बेचना है। तो यहाँ देखिए बता रहा है कि अभी भी आपका जो सामान है वो किस में है, आर के कंप्यूटर में नहीं है, ना ही स्विच कंप्यूटर में, सिर्फ मेन में है। हमें मान लीजिए आर के कंप्यूटर से बेचना हो तो क्या करेंगे। अगर हमने यहाँ देखिए आर के कंप्यूटर को सेलेक्ट किया तो क्वान्टिटी यहाँ पे माइनस दिखाएगा, नेगेटिव दिखाया, क्योंकि कह रहा है कि आप जिस कंपनी या जिस गोडाउन को उसने करके रखा है वहां पे सामान ही नहीं है। उसके लिए हम बैक जाएंगे फर्स्ट पेज पर और चले जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में। यहाँ पे पहले हम सामान को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ से हमने ले लिया 50 उठा लिया, एस टी डी भी आपने मेन लोकेशन से उठाया कितना 50 ऐसा प्रयास भी आपने मेन लोकेशन से उठा लिया 50 यहाँ आए एस जे डी किस गोडाउन में रखना है आर के में कितना 25 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कितना 25 ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एल जे डी आर के कंप्यूटर 25 एल जे डी सूरज कंप्यूटर कितना 25 उसके बाद फिर एस एम पी एस आर के कंप्यूटर 25 उसके बाद फिर एस एम पी एस सूरज कंप्यूटर 25 पेज को फिर अब देखिए सर आगे नहीं आ गया। अब यहाँ पे हमने कितना अमाउंट आया था 150 कितने का 28,000 का। यहाँ ट्रांसफर कितने का हुआ 150 पेज कितने का 28,000 का। अब इस पेज को हम क्या करेंगे एक्सेप्ट करा लेंगे। बस एक्सेप्ट कराने के बाद आप फिर आएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ प्रेस करेंगे या फेट और यहाँ पे रेफरेंस नंबर टाइप करके किस डेट में आप सेल कर रहे हैं डेट चेंज कर दीजिए। आप सबका मान लीजिए 25/10/18 उसके बाद उमेश को हम सेल कर रहे हैं। और अब देखिएगा आप सामान हजरत आया, देखिए आर के में भी है और सूरज में भी है, बस जहाँ से बेचना है वहाँ सेलेक्ट करिए। कितने का मान लीजिए था 120 रुपये, हमने बेच दिया 400 रुपये। एस एम पी एस कहाँ से बेचना मालूम है, दुल्हन बेचना सूरज से कितना पीस 10 पीस कितने का था एस एम पी एस मान लीजिए 600 रुपये का था। एस डी डी बेचना है कहाँ से मैन से कितना 10 पीस क्या रेट है एस डी डी का मान लीजिए हमने कर दिया 700 रुपये समाप्त सेल हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक गाड़ी और आ गई उसको भी सामान बेचना है, मतलब कौन है सीक्वेंस नंबर ऐड करेंगे और एल प्लस सी प्लस करेंगे। आने देंगे हम राजू, राजू करेंगे किसमें हम डेबिट या क्रेडिट। उसके बाद ऐसा पी एस अभी 90 बचा हुआ कहाँ से बेचना है मतलब दे रहा है यहाँ से कितना एस टी डी अभी यहाँ पे बचा हुआ है 40 पीस यहाँ से बेच दे रहा है 10 पीस ऐसा पी एस 90 छोटा बचा हुआ कहाँ कहाँ पे 50 पीस मेन में है तो मेन से हम 20 पीस बेच दे रहे हैं। समझ आ रहा है ना, ये देखिए अब क्लियर सारा हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पर और यहाँ देखिए ट्रक्टर डिस्प्ले एंटर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंटर गोडाउन। आपके पास 3 गोडाउन है मेन पे कितना है 110 पीस आपके में कितना है 65 पीस और सूरज में कितना है 55 पीस। कैटेगरी देख लीजिए, कैटेगरी हमने कोई बनाया नहीं था। स्टॉक यहाँ देखिए तार हार्ड डिस्क है कंप्यूटर से और एस एम सी एस हमने 3 सामान लिया था और यहाँ पे क्या है हार्डवेयर। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट पेज पे जाएंगे और यहाँ से देख लेंगे आप बैलेंस शीट हैंग कर गया कोई बात नहीं अभी चालू हो जाएगा। ठीक है,
चालू करना है, अब चालू कर लीजिए। अब हमारा कंपनी का नाम क्या था पता है? किस नाम से था कंपनी? आ गया। अब आते हैं हम डिस्प्ले देखते हैं एक बार। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट बता रहा है आपने टोटल जो करंट असिस्ट है 82,000 रुपये का, क्लोजिंग स्टॉक 4200 रुपये का आपके पास है और आप डेबिट हुए हैं 40,000 रुपये। यहाँ देखिए बता रहा है करंट लाइबिलिटीज मतलब वर्तमान में आप दायित्व हैं देने वाले 65,000 रुपया, ठीक है, सॉरी 56,000 रुपया, और आपका जो प्रॉफिट हुआ है 26,400 रुपये। अब आते हैं बैक और यहाँ देखिए दिया प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ क्लिक करते हैं। देखिए बता रहा है आपके पास परचेजिंग हुआ 56,000 रुपये का, आपकी सेलिंग हुई 40,000 रुपये का, अभी आपके पास सामान बचा 42,000 रुपये का, और आपका प्रॉफिट कितने का हुआ 26,400 रुपये का। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 82,400 रुपया, जिसमें 26,400 रुपया आपका प्रॉफिट है, ठीक है, ये हो गया आपका। अभी भी सामान आपके पास बचा हुआ है, स्टॉक सेंटर से देख लेते हैं कितना सामान बचा, अभी आपके पास कितना सामान बचा हुआ है, सेल करना है आपका प्रॉफिट सेल कर सकते हैं, ठीक है।